बेटा लाइट कदों की गई हुई है? तो बेटा ये जी पढ़ाई कर रहे हो तुसी की पेपर है तुहाडे? हां जी कल पेपर है। हैं कल पेपर है साडा। केड़े स्कूल है बेटा? गवर्नमेंट स्कूल है जी। जी हां। ਪਾਦੀ ਲੈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੇ ਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਾਣ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਂਡ ਕੱਪ ਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ तो दावे पूरे हो रहे हैं सरकार के? नहीं। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? लाइट आनी चाहिए क्योंकि आनी चाहिए है? आनी चाहिए। कशिश बेटा ये तो जी लाइट गई है कादी गई है बेटा? सवेर दी गई है। सवेर दी गई है? हां जी। ते कितने बजे दी गई है सवेरे? सवेरे 8 बजे चले गई सी। ते बेटा जेडी पढ़ाई कर रहे हो हां जी बच्चों नु पढ़ा रहे हो तुसी की कहना चाहते हो? ए मैं तो इन्ना ही कहना चाहती हूँ भी लाइट आनी चाहिए है जबकि आ नहीं रही। बच्चों के पेपर चल रहे हैं मतलब कि कितने बजे की लाइट गई है? सवेरे 8 बजे की गई हुई है। बेटा जी पढ़ाई का ये कर रहे हो बच्चों के पढ़ा रहे हो तुम आप? हाँ जी मैं आप प्लस टू पढ़ती हाँ बच्चों के कल पेपर शुरू हो रहे हैं कल तो इस करके फिर लाइट तो है नहीं तो मोमबत्तियों के करके अस पढ़ा रहे हैं तो लाइट आई नहीं है सवेर की 8 बजे की गई हुई है। बच्चों की पढ़ाई का औखा होंगे। साडे इनवेटर भी लगा होया सी इनवेटर भी सवेर दा चलदा चलदा वह भी जवाब दे गया हुण वह भी नहीं चल रहा तो मोमबत्तियां चला के पढ़ रहे हैं सी। ते की जिहड़ी मान सरकार है जिहड़ी बड़े बड़े दावे करदे सी वी 24 घंटे लाइट दवांगे तो लाइट मिल पा रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो हुण की कहना चाहते हो? वी जिहड़े मान साहब ने दावे किए सी अच्छे सब झूठे ने। लाइट उन्हां दा मतलब लाइट आंदा उन्होंने वादा किया सी पर लाइट सब पूरी सानू नहीं मिल रही। ते बच्चे दी जिहड़ी पढ़ाई है कि गर्मी च बच्चे पढ़ रहे हैं नाले पढ़ा रही हां फिर कुछ दिखता भी नहीं है समझ नहीं आती बहुत मुश्किल हो रही है। पढ़ाई कर रहे हो तो पेपर कब है आपका? कल पेपर है। तो बिना लाइट से गए कितनी देर पढ़ते हो? 10 मिनट। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ
लगातार जून जुलाई के महीने अजे पे है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? देखो सब तो वड्डी गल तो यह है भी नवी सरकार आई है, इन्होंने दो महीने हुए चार्ज लिया, कई चीज़ा जड़िया सैटल होने वास्ते उन्होंने टाइम चाहिए, वो उत्ते वो काम भी कर रहे हैं और जो सानू लोगों उन्होंने वादे किए थे असी ये काम करांगे उन्हां बारे असी देख भी रहे हैं भी सरकार कितनी जल्दी अपने किए हुए वादे जड़े आ साडे नाल पूरा करती है, क्योंकि इंडस्ट्री जी है इस वेले बहुत परेशानी दे विच चल रही है, क्योंकि रॉ मटीरियल के रेट बहुत ज़्यादा वधे हुए सीगे, उहदे करके जिहड़े है मार्केट बहुत हिली हुई है, दूसरे पासे जिहड़े बिजली के रेट और हुण जिहड़ा अगे बिजली की शॉर्टेज जिहड़ी आ रही है, क्योंकि ये जिहड़े महीने आ रहे हैं गर्मी के महीने एक तो उदा ही इहदे विच जिहड़ी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा वध जाती, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने करके हर बंदा एसी लगा लो फैन चलाओ सारा कुछ हो जाता उहदे करके वध जाती है, दूजी जदों पैडी लगनी हुंदी है उहदे करके भी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा इहदे विच शॉर्टेज आ जाती है, कोले की शॉर्टेज सारे हिंदुस्तान च ही आई पई है, पंजाब भी उहदे चों वांझा नहीं हैगा, पंजाब दे भी आपां रोज़ पेपर च देखते हैं किसी दे के भी इत्थे दो दिन का कोला है जां इत्थे चार दिन का कोला है, पर उहदे ते कोई कंक्रीट हाले काम नहीं हो रहा, जो यही सिचुएशन रही तो जिहड़े आने वाले अगले दो महीने है, क्योंकि गर्मी ऐतकी अप्रैल दे विच ही इन्नी ज़्यादा पै गई जिनी कदे मई जून दे विच पैंदी सी, और मई दे विच स्टार्टिंग दे विच तुसीं देखो हाले 15 दिन होए आ ते अज दे दिन 45-46 डिग्री टैंपरेचर हो गया, तो ये लगता पाया भी अगे जरा जून जुलाई के दो महीने आने उन्हां च कित्थे जाएगी और किन्नी बिजली की खपत हो जाएगी, उन्हां चीज़ों देख के सानू बड़ी परेशानी हो रही भी इंडस्ट्री नू बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जे मिलेगी तो किद्दां मिलेगी किन्नी देर मिलेगी, ये कुछ नहीं हाले भी साडा नूं हैगा, सरकार नूं इहदे उत्ते ध्यान करना चाहिए है, चाहे वह सेंटर सरकार है, क्योंकि कोल जिहड़ा हैगा वह सेंटर सरकार के हाथ च हुंदा है, उन्होंने माइंस करा करना दिया और स्टेट गौरमेंट ने जिहड़े जिहड़ी हैगी इन्हां नूं प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए है, जब इन्हां नूं पता भी असीं इन्हां दिनां दे विच बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी की डिमांड निकलती है और उन्होंने पूरा करने वास्ते हर सारे हिंदुस्तान दे विच ही इन्हां दिनां च डिमांड हुंदी है, क्योंकि हिंदुस्तान सारे च ही गर्मी ज़्यादा पैंदी है, इस करके असं यह भी नहीं कह सकते भी इन्हों दिनों में असं किसी दूसरी स्टेट तो बिजली लै सकते हैं कि उन्होंने को सरपलस होगी, क्योंकि उन्होंने को उत्थे इन्नी गर्मी नहीं हैगी, ये चीज़ा पहला प्रक्योर करनिया चाहिए सरकार को प्रायोरिटी उत्ते, अदरवाइज जी इंडस्ट्री है वो वास्ते सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भुगल साहब जिदा देखा है भाई जिदा लेबर भी खर्चा बहुत पैंता है, जिदा जून जुलाई का महीना अगर कट लगते हैं डीजल पेट्रोल दीमत आसमान छू छू रही ने ते नुकसान से जाऊगी जिदा डीजल भी खरीदना पै गया थे। देखो डीजल दे उते अज असी जनरेटर चलाना होवे ते सानू एक यूनिट बिजली जड़ी है वो 25 रुपए तो उपर जाके कॉस्ट करती है, इस करके किसी भी इंडस्ट्री वास्ते वायबिलिटी नहीं रहेगी कि वह डीजल दे उते फैक्ट्री चला के अपना काम कर लवे, चाहे वो लोकल ऑर्डर ने चाहे वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर ने, यह तो बिजली के उत्ते ही चला के कल चलती होंगी है, पर जे सानू किसी वेले वाए बगैर थोड़ा मोटा टाइम चलाना पै जाए अद्धा घंटा घंटा वो तो वावरा, जे ज़्यादा कट लगनगे तो फिर जिहड़ा हैगा जनरेटर दे उत्ते भी वायबिलिटी नहीं रहेगी, उस टाइम दे विच इंडस्ट्री जिहड़ी है वह बहुत ज़्यादा सफर करेगी और वह इंडस्ट्री अपने ऑर्डर जिहड़े उन्होंने लए होणगे वो फुलफिल नहीं कर सकेगी तो वह होर भी ज़्यादा नुकसान होएगा। सर जिदा नुकसान होता जिदा ऑर्डर बड़े होंगे ने बाहर समान भेजना होता तो लेट नहीं होंगे ऑर्डर? बिल्कुल वो तो मैं तुम यही दस रहा भी जे सानू बिजली प्रॉपर ना मिली तो साढ़े वास्ते वह ऑर्डर फुल करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जनरेटर के उत्ते इन्नी महंगी बिजली दे पैदा करन दे नाल असी उस चीज़ के उत्ते प्रॉफिट नहीं लै सकते, उल्टा सानू उहदे विच बना के भी घाटा पएगा, इस करके असी कह रहे सरकार नूं अनुरोध करते हैं भी तुसी इहदा जल्दी तो जल्दी कोल दा ते बाकी जिहड़े भी साधन हैगे आ उन्हां दा इंतजाम करो ताकि आने वाला जिहड़ा टाइम है वो होर भी ज़्यादा डिमांड वाला आ रहा उहदी प्रिपेयर अपने आप नूं करके रखो ताकि इंडस्ट्री भी बची रहे और बाकी जिहड़े किसानां नूं भी बिजली मिलनी उह मिलदी रहे। ठीक है।